Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय छात्रों, क्लास 12 का 5.6 एक्सरसाइज का भाग 1 बताने जा रहा हूं, जिसमें 5 क्वेश्चन बताएंगे। थ्योरी आपको इससे पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है? तो अब देखेंगे, पहला क्वेश्चन हम लिख चुके हैं बोर्ड पर और इसमें 10 क्वेश्चन हैं। 200 क्वेश्चन आपके एकदम क्लीन समझ में आएंगे, ठीक है? तो आप यदि मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और यदि मेरे नए नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल घंटी को बजा दें, ठीक है? तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं, आप देखिए। तो क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 280 स्क्वायर कोमा y बराबर 8t^4। हम लोग को इसका निकालना है, dy / dx निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग x को लेंगे, x बराबर 280 स्क्वायर। तो हम पहले देखिए, एंगल में t है तो t के सापेक्ष चलेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है? तो अब देखिए, यहां हो गया dx / dt, और ये जो पावर है नीचे आ गया, तो 2 × 4 हो गया, 4 8t हो गया, ठीक है? अब यहां आइएगा, तो क्वेश्चन हम फिर इसमें देखिए y है, तो y इक्वल टू लिख दीजिए। तो ये x का हम निकाल रहे हैं, अब देखो y के निकालेंगे पहले, तो लिखेंगे 8t^4, ठीक है? अब देखो, अब हम लिखेंगे, इसमें भी हम लोग का एंगल क्या है, दिए ना है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष में हम लिखेंगे dy/dt, ठीक है? और ये जो ऊपर है, हम बोले हैं ये नीचे चलेगा, 8t^3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला में एक घट जाता और नीचे चला जाता है। इस प्रकार हम लोग dy/dt कर गया। अब हम लोग को निकालना है dy/dx, तो dy/dx यहां लिखते हैं, तो dy/dx बराबर इक्वल टू हो गया, पहले हम y को ऊपर लिखते हैं, तो dy/dt बाटा में dx/dt, ठीक है? हम आसान है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसको जो आया है मान, ये देखिए यहां पर t होगा, सॉरी t कट गया, तो अब देखिए dy/dx पर, तो ये लिखेंगे हम लोग, तो इसका जो मान है 4 8t^3 है, बाटा में या देखिए 4 8t है। अब देखिए 4 4 कट गया, 4 8 4 8 कट गया, और t से भी t कट गया, तो बच गया आपका देखिए dy/dx बराबर बच गया t का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, तो इसमें हम लोग को x दिया हुआ है, x बराबर इतना और y बराबर इतना, ठीक पिछले क्वेश्चन जैसा। तो इसको लिखेंगे पहले x इक्वल टू, तो a cos थीटा, तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष। ध्यान दीजिएगा कि जो अंत में रहेगा उसी को हम सापेक्ष लेते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे dx/dθ, ठीक है? तो a cos थीटा का होता है माइनस a sin थीटा, ठीक है? तो ये हम लोग x का मान का हल कर लिए। अब आइए y जो दिया है, y इक्वल टू दिया है b cos थीटा, तो इसमें भी लिखेंगे थीटा के सापेक्ष, ठीक है? थीटा के सापेक्ष। अब देखिए विद्यार्थियों, जब इसको हम करेंगे बाबू, तो ये हो गया dy/dθ। अब देखिए, अब cos का होता है sin, तो हो गया माइनस b sin थीटा। देखिए dy/dx निकाल लिए, dy/dθ निकाल लिए, और dx/dθ निकाल लिए, अब दोनों को हम लोग भाग दे दीजिए, dy/dx निकालना है, तो dy/dθ और dx/dθ, थीटा थीटा कट गया dθ। अब जो बचा इसका मान हम लोग देते हैं dx। अब देखिए जो ये मान दिया है dy, तो माइनस b sin थीटा, और यहाँ नीचे बच गया ये जो बचा है माइनस a sin थीटा। देखिए माइनस माइनस कट गया, sin थीटा कट गया, बच गया आपका जो आंसर आपका आएगा b / a,
ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन जो होगा इसको जल्दी से कॉपी को उतार लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि ना, जो भी ट्वेल्थ के छात्र होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे जो पी पहले वाला वीडियो देखना है आप यूट्यूब को खोलकर वीडियोज पर जाइएगा और लाइन से देखिएगा, इंटरनेट करके सब चैप्टर पर डाला गया है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया है एक्स बराबर साइन टी, और फिर दिया है इंडिया का वाई इक्वल टू कॉस टू टी टू टू टी, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स इक्वल जो एक्स का मान जो दिया है, पहले इसको हल करते हैं तो साइन टी के, इसको हम लोग हल करेंगे पहले तो टी के सापेक्ष, ठीक। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी, और साइन का होता है कॉस टी, जिसको हम बता देंगे कॉस टी, ठीक है। अब आइए y इक्वल टू, y इक्वल टू दिया जो दिया है cos 2t, तो अब इसको हम लोग करेंगे चेंज करेंगे, तो ये हो गया t के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है। तो dy dt dt है dt, तो ये हो गया cos है तो माइनस टू साइन टू टी, ठीक है। देखिए ओके, और ये टू जो होता है ये अंतिम में टू आता है, इसको हल करने पर टू को भी करेंगे हल करेंगे तो केवल टू पर जाए, इसलिए हम इसको आगे ला दिए। अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स, तो अब इसको हम मान रखते हैं माइनस टू साइन टू टी बाई कॉस टी, ध्यान दीजिएगा इसको फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो टू टी इंटू टू इंटू साइन टी इंटू जो बच गया कॉस टी हो जाएगा, इसको फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो ठीक है कॉस टी बटा में कॉस टी, देखिए कॉस 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 टी कट गया और दुगनी माइनस चार साइन टी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर चार, चार नंबर जो क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन दिया है, चार नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स बराबर 40 और वाई बराबर 4/T ये दिया है ना। अब देखिए इसको हम करेंगे तो x इक्वल टू जो लिखेंगे 40, तो ये हो गया आपका t के सापेक्ष, ठीक है। तो t के सापेक्ष में ये आपका हो गया dx by dt, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे तो 4 होता है क्योंकि t यहां से हट जाता है। अब आएंगे y पर, तो y बराबर जो दिया है स्टूडेंट्स तो देखेंगे 4/T, तो लिखेंगे t के सापेक्ष, ठीक। तो ये हो गया y dy by dt, और देखिए माइनस 4 हो जाएगा और t का t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे कि dy dx, तो ये जो y वाला है ऊपर चल जाएगा माइनस 4t के स्क्वायर बाय, और देखिए ये आ गया 4, कुछ नहीं नीचे कौन हो गया तो ये पूरा कट गया, तो ये आपका हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर। देख लीजिए आंसर आपको मिला सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर दिया है 5, देखिएगा
पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है, और उसके बाद दिया है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस माइनस साइन टू थीटा, ठीक है, ए दिया है। अब इसको हम लोग बदलेंगे, ठीक है, ये देखिए x बराबर जो दिया है कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष, ठीक है, थीटा के सापेक्ष हो गया, तो लिखेंगे इसको डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस इधर प्लस हो गया क्योंकि माइनस होगा टू साइन थीटा, ठीक है। अब ये हो गया, अब लिखेंगे वाई इक्वल टू वाई बना दिया है साइन साइन थीटा और माइनस साइन टू थीटा। अब देखिए इसमें जो होगा कि इसको लिखेंगे थीटा के सापेक्ष, ठीक। अब देखिए ये हो गया डी बाई डी थीटा, ठीक है, अब यहां हो गया तो अब इसको लिखेंगे साइन को, साइन है तो ये हो गया आपका कॉस, ठीक है, कॉस थीटा माइनस टू टू कॉस टू थीटा। अब इसको रख देंगे डी वाई डी एक्स, ऊपर इसको लिख देंगे कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा बांटा में। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस और आगे ले जाना है माइनस और पीछे, तो टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। तो आज हम लोग का इतना ही तक इस भाग भाग वन में, भाग वन में पांच क्वेश्चन में बता दिया एक से पांच तक, भाग टू में देखेंगे हम लोग पांच से लेकर यानी छह से लेकर दस तक। एक बात और, अब आजकल हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर सैड स्टेटस यानी उदासी, ये कब लगा वाला सर, मान निमन रहा सन तो अब ना जब को छोड़ दे सन तो इकनी के स्टेटस लगाए के सैड स्टेटस लगा दिए सन, लगे सन कि यह लैला मजनू के दादा हो सन। अरे जब लैला मजनू के ससुर पूरा पूजा ना भइल बिहार तो तोनी के कहाँ से हुई, तो इकनी के स्टेटस ऐसा सन लगा देते सन कि हम ये बहुत ज्यादा प्यार करते नहीं, रत रत भर व्हाट्सएप पर तुम बिजी ऑनलाइन क्लास करे खाती सब सुझ जाता सन। तो इस सब से हम लोग बचेंगे और प्यार भर का चक्कर नहीं पड़े के, अभी भविष्य बहुत आगे ले जाए के बाद, ये चलते मेहनत करेंगे बाद, मेहनत को हथियार है कि इंसान को जीरो से हीरो बना देता है और साइकिल से कार पहुंचाता है, ठीक है, धन्यवाद।